पर बोला इक्वेशन ऑफ टेंशन की जो डिफरेंट फॉर्म होती है पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंशन टू द हाइपरबोला, देखो प्लस की जगह भी यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और स्लो फॉर्म में भी ऊपर की नस्बत देखो वहाँ था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ y हो जाएगा एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इक्वेशन ऑफ टेंशन जो सर्कल की होती है पॉइंट फॉर्म में होती है, ये होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, और स्लो फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए वन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर के। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y स्क्वायर पैराबोला में फोर ए एक्स में y माइनस वाई वन माइनस टू वाई वन अपॉन टू ए एक्स माइनस एक्स वन, एल एस में हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन प्लस वाई बी स्क्वायर अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।